तो खबर आपको बताना है रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के जसपुर में कोरोना का एक नया मामला सामने आया है। जसपुर में कोरोना संक्रमण का पहला पॉजिटिव केस सामने आया। सभी की जांच रैपिड टेस्ट किट से की गई है। प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 14 हो गई है। संक्रमितों का आंकड़ा 48 पहुंच चुका है। जिसमें कोरबा जिले की बात की जाए तो 28 मरीज यहां पर है, सूरजपुर में 10 मरीज है और रायपुर में 6 मरीज अब तक सामने आए हैं। तो जसपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर से एक एक संक्रमित मरीज मिला है। यानी छत्तीसगढ़ में भी अचानक से जो आंकड़े बढ़े, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती यहां पर ये रहा कि कैसे इन मरीजों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सुप्रिया पांडे फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुप्रिया, जो आंकड़ा है छत्तीसगढ़ में भी अचानक से बढ़ा, बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए कि कैसे इन मरीजों को ठीक किया जाए। तो सुप्रिया से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन तब तक हम आपको बड़ी खबर यही बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी आंकड़े बढ़ गए हैं, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती कि कैसे इनसे निपटा जाए। एक बार फिर से हमारे साथ सुप्रिया जुड़ गई हैं। सुप्रिया, प्रशासन ऐसे मरीज जो अचानक से बढ़े हैं उनसे कैसे उन पर रोकथाम कैसे लगा पाएगा, कैसे इलाज कर पाएगा? एम्स में तो वैसे भी अभी मरीजों की जो संख्या है वो कम है, बाकी राज्यों के मुकाबले की बात कही की जाए तो। वैसे तो छत्तीसगढ़ में बीते 4-5 दिनों से ऐसा लग रहा था कि आंकड़ा जो है वो थम गया है और अब नए मामले जो है वो नहीं आ सकते, लेकिन एकाएक जो है सूरजपुर में 10 नए कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मचा हुआ है। और दूसरी चीज, जो कल जो नया मामला आया है वो छत्तीसगढ़ के जसपुर का है, जो वहाँ पे भी पहला मामला सामने आया है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में कुल जो संक्रमित आंकड़े पाए गए थे वो 48 है। पूरे मिलाकर अगर हम बात करें तो, और अगर एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 14 है। सुप्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस आ रहे हैं।